students, here safe class, you open your SST book, resources and development. Resources and development में today we want to start power resources. So you listen me attentively about the power resources. What is power resources? And we read about the power resources. Sunny's mother begins her day by switching on the gas chair. सन्नी की माता जी अपने दिन की शुरुआत गैस के स्विच ऑन करने से करती हैं। She irons सन्नी स्कूल यूनिफॉर्म। वह सन्नी की स्कूल यूनिफॉर्म पर यानी कि उसकी स्कूल की जो ड्रेस है वर्दी है उसे प्रेस करती है। बिफोर वेकिंग हिमा उसके उठने से पहले यानी कि सन्नी के उठने से पहले उसकी मदर उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस करती है। सी देन रशेस टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। सी देन रशेस अब रशेस में दौड़ते हुए जाना अब वह किचन की तरफ दौड़ते हुए जाती है टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस और वह उसके लिए एक ऑरेंज का जूस एक ऑरेंज का जूस एक ग्लास तैयार करने के लिए ब्लेंडर में वह किचन की तरफ दौड़ती हुई जाती है। सन्नी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ सन्नी उन्होंने कहा कि क्या आप स्नान कर चुके हैं। कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट आओ और अपना नाश्ता लो। Calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. Calls out mother उसकी माँ उसे बुलाती हुई आवाज लगाती है while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. Sunny के लिए जब गैस स्टोव के ऊपर वह नाश्ता तैयार कर रही होती है उस समय वह आवाज लगाती है। While going to school, Sunny forgets to switch off lights and fans. While going to school, Sunny जब स्कूल जाता है तो उस समय forgets भूल जाता है to switch off lights and fans. वह लाइट और पंखे के स्विच ऑफ करना भूल जाता है। When mother switches them off, जब उसकी माँ उसके स्विच को ऑफ करती है She thinks that life in the cities may be more comfortable. तब वह सोचती है कि शहरों का जीवन जो है वह बहुत अधिक आरामदायक है But it's a dependency on more and more budgets, all of which consume energy had led to a wide gap between the demand and the supply. But lacking its dependency, उसकी निर्भरता on more and more budgets, कहती है कि उसकी जो निर्भरता है वह अधिक से अधिक बजट के ऊपर करती है all of which consume energy, कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी जितनी ऊर्जा वे खर्च करते हैं वह उसके बजट पर निर्भर करती है has led to a wide gap between the demand and the supply. Wide gap between the demand and the supply. Demand means मांग, supply means पूर्ति। कहते हैं मांग और पूर्ति के बीच कितना अंतर होता है इस चीज के ऊपर उनका बजट निर्भर होता है। With the advent of science and technology of lifestyles are changing very fast. With the advent of science, advent means joking. Science एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक कहता है विज्ञान और तकनीकी ये दोनों ही जीवन के अंदर कितने जोखिम भरे हैं आर चेंजिंग वेरी फास्ट और इनके अंदर परिवर्तन बहुत तेज गति से आ रहा है। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लीच पावर और एनर्जी शक्ति और ऊर्जा प्लेस ए वाइटल वाइटल मीन्स विशेष रोल मीन्स भूमिका इन अवर लिव्स पावर और एनर्जी हमारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाती है वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री हमें
पावर के लिए इंडस्ट्रीज में भी आवश्यकता होती है, एग्रीकल्चर खेती में भी आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्ट यातायात में आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण बातचीत करने में, एंड डिफेंस और सुरक्षा के अंदर भी हमें पावर की आवश्यकता होती है। पावर रिसोर्सेज मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज कहता है पावर रिसोर्स जो हैं वो मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, उन्हें एक बड़े स्तर के ऊपर डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में, एज कन्वेंशनल सुविधा के अनुसार एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और असुविधा से संबंधित स्रोतों के अंदर। अब देखिए इसमें क्या बताया है, ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फिगर देख रही है ये उससे रिलेटेड है, नेशनल पावर राष्ट्रीय पावर में बताई गई है, ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, बिजली की सप्लाई मीन्स पूर्ति, बिजली की पूर्ति के लिए जो ग्रिड बनाया गया है वो यहाँ इस पिक्चर में शो किया गया है कि किस प्रकार से यह है पावर सप्लाई करता है, बिजली की पूर्ति करता है। पावर एंड एनर्जी, सॉरी नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज। अब कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज, कहता है कि एनर्जी के लिए जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो हैं विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिनका कि लंबे समय से हम सामान्य रूप से प्रयोग करते आए हैं। फायरवुड, फायरवुड का मीन्स है लकड़ी से आग जलाना, फॉसिल फ्यूल्स, किसी भी प्रकार के फॉसिल्स का फ्यूल के रूप में उपयोग करना, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये दो मुख्य कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत हैं। सेकंड आता है फायरवुड, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कुकिंग मीन्स पकाना, हीटिंग मीन्स गर्म करना। कहता है बड़े स्तर पे फायरवुड के द्वारा हम भोजन पकाते हैं और किसी भी चीज को गर्म करने में इसे काम लेते हैं। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी, हमारे देश में 50% ऊर्जा से अधिक यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड, ग्रामीणों के द्वारा प्रयोग की जाती है, यानी कि 50% एनर्जी जो है वो ग्रामवासियों के द्वारा यूज की जाती है, कम्स फ्रॉम फायरवुड, जो कि लकड़ी जलाने से ही काम में लेते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो शेष बचे वो पौधों और जानवरों के लिए यूज होती है, विच वर ब्यूरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, गोट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स, विच वर ब्यूरीड, जिसे ब्यूरीड मीन्स दफनाना, जिसे दबा दिया गया है अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कहता है कि लगभग 10,000 वर्ष पहले उसे दस हजार वर्ष पहले जो कि जमीन के अंदर ब्यूरिड हो गए थे, गोट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स, और गर्मी और तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण आज भी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। फॉसिल फ्यूल सच एज कोला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन रिसोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। अब कहता है कि फॉसिल फ्यूल सच एज, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आर द मेन सोर्सेज, मुख्य स्रोत हैं किसके, ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी के ऊर्जा के कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मुख्य स्रोत हैं। टर्न पेज नंबर 28, द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। अब कहते हैं द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स, ये मिनरल्स जो कि आज रिजर्व हैं आर लिमिटेड, सीमित हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, कहता है कि ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, आज संसार की जनसंख्या
बहुत ही तेज गति से बढ़ती जा रही है। इज कंज्यूमिंग देम और उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, किसका? फॉसिल फ्यूल का। इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, जबकि कहता है कि इसकी जो फॉर्मेशन की दर है वो तो बहुत ही कम है और उससे कहीं अधिक गति से इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन में एक लॉन्ग ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है और पॉपुलेशन आज इतनी बढ़ रही है कि फॉसिल फ्यूल का यूज जो है वो बहुत अधिक तेजी से हो रहा है। सो दीज आर लाइकली टू बी एक्सेजिटेड शोन, इसलिए आज हम इनका शीघ्रता से उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन हम एक्सेजिटेड भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें इनकी आवश्यकता है। यू सी दिस मैप, अब देखिए इसमें डायग्राम बताया गया है, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज और फिर एडवांटेज दिया गया है। इजियर टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है, ठीक है। टैंकर्स दिया है इसमें, इसमें दिया है बेसिस ऑफ पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट दिया है इसने डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्टैंक्स एंड गैस लीकेज, पोल्यूशंस रिलीज कास्ट एसिड रेन। एसिड रेन का मीन्स होता है अम्लीय वर्षा के कारण जो है ये क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, कहता है कि नए फ्यूल का जो एक्सप्लोरेशन होता है वह भी इतना इजी नहीं है। इजियर टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए यातायात के लिए बहुत इजी है, पाइपलाइंस का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल, कहता है कोयले और ऑयल को साफ करने के लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चीपर देन ऑयल और यह है तेल से सस्ता होता है। अब आता है कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे कन्वेंशनल को डिवाइड किया गया है, इधर इसकी डिसएडवांटेज है, इधर एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है, और इसके नीचे दिखाया है हाइड्रल पावर, हाइड्रल पावर के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज शो किए गए हैं। अभी आपको ये जो डायग्राम इसमें दिखा रखा है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसे आपको अपने नोटबुक में ड्रा आउट करना है। सो यू नोटेड योर होम असाइनमेंट एट दिस टाइम स्टूडेंट्स एंड आई हैव स्टॉप माय लेसन। होम असाइनमेंट में आपके हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड इनकन्वेंशनल रिसोर्सेज। ड्राई डायग्राम में फर्स्ट बता रही हूं आपको जो करना है। ड्राई ये डायग्राम ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है जो कि दिखाया गया है। इसके साथ ही आपको इसे कंप्लीट लर्न भी करना है एंड लर्न इट। इसे लर्न भी करें। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।